कंडाघाट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में कंडाघाट और आसपास क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यशाला में उन्हें चीड़ की पत्तियों से उत्पाद कैसे तैयार किए जा सकते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इन उत्पादों को कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह की सावधानियां उत्पादों को बनाते समय रखनी है इसकी विस्तृत जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई। यह जानकारी हथकरघा विकास निगम सोलन के प्रभारी प्रवीण कुमार ने मीडिया को दी। हथकरघा विकास निगम सोलन के प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि चीड़ की पत्तियों से उत्पाद बनाने के लिए कंडाघाट में 3 माह से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था। इस कार्यशाला का आज समापन हुआ। इस कार्यशाला में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए चीड़ की पत्तियों से बने उत्पादों की महीन जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस कला को महिलाओं ने बड़े ही लगन के साथ सीखा है। उन्हें उम्मीद है कि इन उत्पादों को बनाकर वह बाजारों में आसानी से बेच सकेंगी और विकास के लिए आयाम लिखेंगी। एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉरपोरेशन शिमला से हमारे 2 फरवरी 2021 से एक पाइन नीडल का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसका समापन आज 4 मई को समापन हुआ, जिसमें हमारे पाइन नीडल के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बने, जिसमें हमारी जो डिज़ाइनर है अमृता जी वो आ नहीं पाए और हमारी जो मैडम है अनीता ठाकुर जी उसने इसमें बड़ा अच्छा सहयोग दिया और जो हमारे ट्रेनिस थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इसमें और बढ़िया आगे काम करेंगे और पाइन नीडल के बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने इन 3 महीने में बनाए और 3 महीने में बहुत बढ़िया इन्होंने आगे लोगों को कहा कि और आगे इसमें हम काम करेंगे ताकि हमें अच्छा रोज़गार मिले ताकि हम आगे काम कर सकें।